हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड। एक्चुअली स्टूडेंट्स, आज हम आपको एमएस वर्ड के अंदर ये बताने वाले हैं कि हम कुछ भी बनाते हैं, कोई फॉर्मेट बनाते हैं, कोई रिज्यूम, बायोडाटा, सीवी या कोई भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क, उसको हम पीडीएफ में सेव कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत आपके जॉब वर्क के लिए यूज़फुल होने वाला है। हाउ टू सेव पीडीएफ। मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा है, मैंने यहाँ पे रैंड का यूज़ करके मैंने 3 पैराग्राफ ले लिया। ओके, अब मैंने यहाँ पे बीच वाले में एंटर करके यहाँ पे एक टेबल पे ले लिया। ये देखिए टेबल, इंसर्ट टेबल, यहाँ से मैंने ऐसे एक टेबल ले लिया। मैंने कुछ भी टेबल पे यहाँ से लिख दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ भी टाइप किया टेबल के ऊपर, ये हमारा डेटा है। अब मुझे इसको पीडीएफ में सेव कैसे करना है। एक्चुअली पीडीएफ में सेव करने से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपका फ़ोन के अंदर कहीं पे भी ओपन हो सकता है, लैप पीसी, और आपके लिए मतलब इसमें इतने जल्द से आसानी से आपको एडिट भी नहीं होता। जब तक वो पीडीएफ फेल फाइल होता है तो उसी में वो शो होता है, बड़े आसानी से आप कहीं पे भी देख सकते हो अपने फ़ोन पे या फिर कहीं पे भी। तो आप इसमें पीडीएफ में सेव करने से आप इसको बड़े आसानी से कहीं पे देख भी सकते हो और भेज भी सकते हो, ताकि आपका प्रोटेक्ट रहता है। इसमें कोई जल्द से एडिट भी नहीं कर पाती, एक इमेज की तरह काम करता है। तो अब मैं बताऊँगा पीडीएफ में सेव कैसे होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, पीडीएफ यहाँ पे आपके डाउनलोड होनी चाहिए। आपको यहाँ से चेक करना है कि पीडीएफ इसमें डाउनलोड है कि नहीं। तो चेक कैसे किया जाता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आप यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे चले जाना। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद अनइंस्टॉल एंड प्रोग्राम पे चले जाना। यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीडीएफ इसके अंदर है कि नहीं है। आप यहाँ से सर्च कर सकते हो कि देखो हमने यहाँ पे क्या क्या ऐड किया था, यहाँ पे पूरा सब कुछ शो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे पीडीएफ का भी होगा, आप नीचे आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पे शो कर देगा ये अनइंस्टॉल के अंदर। लेकिन आपको अनइंस्टॉल नहीं करना, बस चेक किया हमने, फिर मैंने क्लोज किया। अब देखिए हमारे पास जो भी डेटा था, हमें जो एम एस वर्ड की फाइल पीडीएफ में सेव करना था, उसके लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे सेव एस पे गए। डेस्कटॉप में करना चाहो डेस्कटॉप में, या डॉक्यूमेंट में, अदर किसी पाथ में आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ये हमारा है माई प्रोजेक्ट, माई प्रोजेक्ट नाम से मैंने सेव किया। किस पे? एम एस वर्ड में नहीं, हमने पीडीएफ में सेव किया, ताकि हम किसी मोबाइल पे या फिर किसी भी लैपटॉप में या फिर कोई सॉफ्टवेयर में हम ओपन करके देख सकें। उसमें आसानी से एडिट नहीं होता, एक इमेज की तरह वर्क करता है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जैसे डेस्कटॉप में सेव किया, तो देखिए अब ये पूरा पीडीएफ में हमारा शो कर देगा। ये देखिए आप देख सकते हो, कन्फर्म, ओके, ये देखिए पीडीएफ में आ गया हमारा। तो स्टूडेंट्स, ये आपके जॉब वर्क के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। यहाँ तक कि हम आप यहाँ पे जैसे पीपीटी होता है, प्रेजेंटेशन होता है, जो पावर पॉइंट में बनाते हो, उसके ऊपर भी ये बहुत यूज़फुल है। अगर आप इसे बना के आप पीपीटी बनाते हो, फिर आप सेव करना चाहोगे तो पीडीएफ में, तो बड़े आसानी से आपका फाइल सेव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आज मैंने आपको जो बताया एमएस वर्ड का फाइल हमारे पीडीएफ में सेव कैसे होता है, और आपके जॉब वर्क के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम नए नए नोटिफिकेशन वीडियोस आपके सामने लेके आ सके। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।